बीजू जनता दल से बीजेपी में आए पूर्व सांसद बैजयंत जय पांडा का कहना है कि बीजेडी का गठन भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए हुआ था, लेकिन अब उड़ीसा की बीजेडी सरकार में गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम पर है और जब उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए तो उन पर हमले तक किए गए। बैजयंत जय पांडा से गोन्यूज संवाददाता अंजलि ओझा ने बातचीत की। सर, आपने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन किया है, काफ़ी लंबे समय से ऐसी अटकलें भी लग रही थी, तो अभी आपने क्यों बीजेपी ज्वाइन किया इतने टाइम के बाद? नहीं, ये कोई अटकलें की सवाल नहीं है। अब देखिए, जब बीजू जनता दल बनी थी 1997 में, मैं शुरू से इन्वॉल्व था और पार्लियामेंट में बीजेडी का और उड़ीसा का मुद्दे से उठाया था। ये याद रखना चाहिए कि शुरुआत से बीजेडी बीजेपी की एलाई थी। इनफैक्ट बीजेडी बनने में बीजेपी का भी हाथ था और मदद था, और कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए थे, कॉमन मुद्दे हम एडवांस कर रहे थे। तो मैं ऑन प्रिंसिपल उन्हीं मुद्दों को पिछले 20 साल हुआ आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये गठबंधन टूटने के बाद बीजेडी ड्रिफ्ट करने लगा और ख़ास करके पिछले 5 साल में बहुत बदल गया। ऐसा कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स में बीजेडी बना था कि एंटी करप्शन, एंटी गुंडागिरी, ये सब चेंज हो गया और बीजेडी में पिछले 5 साल में ऐसे बहुत सारे गुंडों को आश्रय मिला है और करप्शन उड़ीसा में बहुत बढ़ गया, जैसे कि चिटफंड स्कैम 20,000 करोड़ का स्कैम, और बीजेडी के बहुत सारे नेता इसमें इन्वॉल्व हैं और ये सब ओपनली हो रहा है। और इसके खिलाफ मैंने बोलने जब लगा, मेरे खिलाफ एक्शन लिया गया, मुझे फिजिकली अटैक किया गया पत्थरों से, अंडे से, फिर मैं बीजेडी को छोड़ना पड़ा और बहुत दुख से मैं छोड़ा। सर, आपने अभी कहा कि आपने काफ़ी एक्सटेंसिवली ओडिशा में आप घूमे, लोगों से बात की, सर किस तरह का आपको लग रहा है बीजेपी का परफॉर्मेंस होगा अभी जो इलेक्शंस आएंगे, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस दोनों में? मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। देखिए, 20 साल पहले वहाँ उड़ीसा में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी और बीजेडी और बीजेपी के अलायंस उससे ज़्यादा थी, लेकिन अलायंस टूटने के बाद बीजेपी बहुत मेहनत करके धीरे धीरे नंबर 2 पोजीशन को आ गया था 2 साल पहले। इसके प्रमाण यह है, इसके एविडेंस यह है कि देखिए, लास्ट जो हमारे आंकड़े हैं, लेटेस्ट जो हैं, वो 2 साल पुराने, जब स्टेट वाइड पंचायत इलेक्शंस, जिले परिषद इलेक्शंस हुए थे, वहाँ बीजेपी का उड़ीसा में गेन 1000% हुआ था। मान लीजिए 10 गुना, जो सीटें थे उससे 10 गुना बढ़ गए और 19-20 का फर्क था बीजेडी के साथ जो वहाँ सरकार में है। और उसके बाद ये 2 साल में मोदी जी के नेतृत्व को लोग और भी पसंद करने लगे हैं। मेरे ख्याल में हम सब मिलके, मेरे जो कॉलीग्स हैं बीजेपी में उड़ीसा में, श्री धर्मेंद्र प्रधान है, श्री ज्वालो राम है, श्री केवी सिंहदेव हैं और बहुत सारे हैं, हम मिलके काम करेंगे और मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो फाइनल माइल क्रॉस करने के लिए, लास्ट माइल क्रॉस करने के लिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। असेंबली इलेक्शंस में क्या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर सकती है और क्या आप चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होंगे? देखिए, ये असेंबली के बारे में वही कहूँगा कि मैं स्पेसिफिक नंबर स्पेकुलेट करना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, पिछले आगे भी अच्छा रहा था। 2 साल पहले 19-20 में था बीजेडी के साथ स्टेट वाइड इलेक्शंस में, और इस बार मेरे ख्याल में उससे भी बहुत अच्छा रहेगा।